नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसई ट्रिकी क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस पेपर 2023 12 मई को जो आपका पेपर हुआ है, तो 12 मई के पेपर में किस तरीके से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट दो में, सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं, एग्जाम का एनालिसिस आपके बीएसई सर करवाने जा रहे हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, जो भी मुझे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे हैं मैं उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास ओनली फॉर सीरियस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास को मिलकर आप लोग शेयर करेंगे और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जय बीएसए जय बीएसए क्लास। करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शुरुआत। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था आप लोगों का, छठ पूजा जो है दोस्तों, छठ पूजा ये कहां मनाई जाती है दोस्तों? आपको पता होगा छठ पूजा जो है आपके बिहार और झारखंड में मनाई जाता है। छठ पूजा में हम लोग जो है भगवान सूर्य देव जी की पूजा करते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है, अब तक सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं? अगर मैं आप लोगों से कहूंगा दोस्तों यहां पर सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में किसने जीते हैं, ओलंपिक में दोस्तों किसने जीता है, तो ये है माइकल फिलिप्स। नोट कर लीजिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, माइकल फिलिप्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में पूछा गया था दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा कितनी थी, अगर हम बात करेंगे यहां पर अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा पूछी गई थी दोस्तों यहां पर, तो इसकी उम्र सीमा ऑप्शन में आपको दे रखा था 6 वर्ष, ठीक है ना, 60 वर्ष ऑप्शन है वहां पर, 60 वर्ष दे रखा था जो कि बिल्कुल राइट है। तो अटल पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा जो है 60 वर्ष है दोस्तों। गुरु पर्व किस सिख गुरु के जयंती पर मनाया जाता है? अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों गुरु पर्व आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे, गुरु पर्व जो है किस सिख गुरु के जयंती पर मनाया जाता है, किस गुरु के जयंती पर मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरु नानक देव। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है, पादप कोशिका की विशेषता क्या होती है, पादप कोशिका की विशेषता, अगर हम इस क्वेश्चन में फोकस करेंगे तो पादप कोशिका की विशेषता होती है, इसमें बड़ी रिक्तिका होती है, इसकी कोशिका झिल्ली जो है आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है, तो आप लोग देख सकते हो बड़ी रिक्तता होती है, इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो आप लोगों के यहां पर सेल्यूलोज से बनी होती, मतलब अब आपको जो ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से आप लोगों को यहां पर करना था। विशेष रूप से दोस्तों निर्मित, अगर मैं कहूं यहां पर पठारों और तालाबों में दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर विशेष रूप से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, पता है दोस्तों? अब सिंपल सी बात है, मछली पालन को क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन को क्या बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे पिसी कल्चर, याद है ना, ये तो इंग्लिश वाला वर्ड है आपका। सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइट आंसर आपका हो जाएगा पिसी कल्चर, सेरी कल्चर, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लोगे। मछली पालन को क्या बोलते हैं, मछली पालन को कहते हैं दोस्तों यहां पर पिसी कल्चर बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपका प्राकृतिक रबड़ को मुलायम और संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अगर मैं कहूं दोस्तों यहां पर प्राकृतिक रबड़ को मुलायम संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं वल्क
वल्कनीकरण, वल्कनीकरण। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आप लोगों का हो जाएगा वल्कनीकरण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। एक क्वेश्चन था आप लोगों का, ठीक है ना, यहां पर बात करिएगा दोस्तों, यहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, नोट कर लीजिएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है, सभी से मेरा निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। एनी बेसेंट ने किस सोसाइटी की स्थापना की थी 1882 में, क्या आप लोग जानते हैं? एक क्वेश्चन जो है आप लोगों से पेपर में यह भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो एनी बेसेंट ने जो है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एनी बेसेंट, तो इन्होंने 1882 में दोस्तों किस सोसाइटी की स्थापना की थी, यह आप लोगों को बताना है। देखो जिस तरीके से जैसे भी क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं। देखो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी, आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे, ओके, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक क्वेश्चन था आप लोगों का, भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका किस नदी पर है, किस नदी पर है, तो ये है आपका सतलज पर। सही जवाब क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आप लोगों का, शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर, शीतकालीन ओलंपिक जो है, ठीक ना, कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं, कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों यहां पर, 4 वर्ष के बाद आप लोगों के आयोजित किए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, एक क्वेश्चन पेपर में यह पूछा गया था आप लोगों से, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह करता है राष्ट्रपति। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था दोस्तों आप लोगों से, हवा को गर्म करने पर और ठंडी करने पर क्या होता है, है ना, आपको बता दूं यहां पर, हवा के गर्म तथा ठंडी होने पर क्या होता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो हवा जब गर्म होती है तो फैलती है, सिंपल सी बात है, हवा जब गर्म होती है तो फैलती है, और अगर हवा जब ठंडी होती है तो वो संकुचित होती है, क्या होती है दोस्तों, संकुचित होती है, सिकुड़ती है, सिंपल सी बात आप लोगों के सामने है, ये आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों, एक साल में T20 में 1000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन है, एक क्वेश्चन था आप लोगों का, एक साल में T20 में 1000 रन बनाने वाले प्लेयर कौन है, बनाने वाले प्लेयर जो हैं आप लोगों के कौन हैं, बताइए दोस्तों। तो आप सभी लोग जानते होंगे यहां पर, इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सूर्य कुमार यादव, क्या हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। एक पूछा गया था, ऋतु संहार के लेखक कौन है, एक क्वेश्चन था आप लोगों से पेपर में पूछा गया था, ऋतु संहार के लेखक कौन है, ऋतु संहार के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋतु संहार के लेखक है मेरे प्यारे मित्रों कालिदास। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का कालिदास हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, ओके। एक पूछा था, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना कब की थी, यहां पर एक क्वेश्चन आपसे एनी बेसेंट से आया था कि एनी बेसेंट ने यहां पर दोस्तों, है ना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की थी एनी बेसेंट ने, मैं आपको बता दूं, एनी बेसेंट ने यहां पर
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी 1882 में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए है ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनसो की फुल फॉर्म क्या है, ENSO, इसकी भाई फुल फॉर्म बताओ, इसकी जो है आप लोग जो है यहां पर फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म है एल नीनो, नोट कर लीजिएगा, एल नीनो साउदर्न, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है ना, तो ये इसकी फुल फॉर्म है एल नीनो साउदर्न एसोसिएशन। रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब मिला था, क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रुक्मणी देवी को, रुक्मणी देवी अरुंडेल को, रुक्मणी देवी अरुंडेल को, अरुंडेल को पद्म भूषण कब मिला, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पद्म भूषण कब मिला, क्या आप जानते हो, रुक्मणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण मिला था 1956 में। क्या आप जानते हो सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, एक क्वेश्चन था आप लोगों के पेपर में, सरोजनी नायडू को, नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है, किस उपनाम से जाना जाता है, बता दीजिए दोस्तों यहां पर सरोजनी नायडू को किस उपनाम से जाना जाता है, तो आपको मैंने पढ़ाया था भारत कोकिला, सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भारत कोकिला। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था लोथल नगर किस नदी थी ना, किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहां पर लोथल नगर किस नदी के किनारे है, तो मेरे प्यारे मित्रों आप सभी लोग जानते होंगे लोथल नगर किस नदी के किनारे है, अगर बेटा नदी पूछेगा तो बताओगे आप साबरमती, साबरमती नदी, और अगर आपसे कहेगा दोस्तों किस उपनदी के किनारे है, उपनदी पूछेगा तो आप कहोगे भोगबा नदी, क्या कहोगे दोस्तों, लोथल जो है साबरमती नदी के किनारे, उपनदी भोगबा नदी के किनारे आप लोगों का है। एक क्वेश्चन था आप लोगों का, जैसे कि आप जानते हो नारियल में बसा अम्ल कौन सा मौजूद होता है, एक क्वेश्चन था आप लोगों का दोस्तों यहां पर नारियल में बसा अम्ल कौन सा मौजूद होता है, कौन सा जो है मौजूद होता है, तो ये होता है आप लोगों का लॉरिक अम्ल, नोट कर लीजिएगा दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉरिक अम्ल। पास्सा की उपाधि जो है किसने धारण की थी, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपको था, पातशाह की उपाधि जो है दोस्तों यहां पर ये उपाधि जो है आपके किसने धारण की थी, किसने धारण की थी ये आपको बताना है, तो पातशाह की उपाधि धारण की थी दोस्तों आपके बाबर ने, सही जवाब क्या हो जाएगा बाबर। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों यहां पर मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किस राज्य का, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप सभी लोग जानते होंगे मोहिनी अट्टम जो है आप लोगों का ये है आपके केरल राज्य का, सही जवाब क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहां पर केरल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, तो वीडियो को सभी से मेरा निवेदन है लाइक करते रहिए, क्लास को मिलकर आप सभी लोग जो है शेयर करते रहिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को सपोर्ट नहीं किया है फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से सपोर्ट कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग जो है आप लोगों की क्लास से जुड़ सकें। तो जीके में दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं मैथ की, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से या क्वेश्चन आए, जैसे कि मैं आपको बता दूं 2D 3D से पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, परसेंटेज से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से पेपर में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, ओके ना, डिस्काउंट की बात करें, SI की बात करें, CI की बात करें, तो इनसे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में बन रहे हैं। आप जानते होंगे दोस्तों डिस्काउंट से पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आप लोगों का SI से है, एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का CI से है, ठीक है ना। DI की अगर हम बात करेंगे डायग्राम वाले दो क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से पेपर में दो क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से पेपर में एक क्वेश्चन आया है, रेशियो से पेपर में एक क्वेश्चन आया है, ओके ना, LCM से एक क्वेश्चन आपका है,
नंबर सिस्टम से आपके पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आ रहा है, ओके ना। फिर अगर मैं आपसे कहूं रेशियो, रेशियो से दोस्तों आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ रहा है और एक क्वेश्चन आपका एवरेज का आ रहा है। तो मैथ में इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो 2D 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 19 क्वेश्चन का डेटा है मैथ का। तो मैथ में जो है आपके इन्हीं सारे टॉपिक से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में दोस्तों आपके कहां कहां से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो अब आते हैं दोस्तों यहां पर रीजनिंग पर। रीजनिंग में वही डेटा है जो मैं पहली शिफ्ट में आपके साथ डिस्कस किया था, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से आपके पेपर में जो है 2 से 3 मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर अगर हम दोस्तों बात करेंगे एनालॉगी की, एनालॉगी से पेपर में दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीरीज से पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं आपके आज, सीरीज से पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे मिसिंग नंबर, आज आपके पेपर में मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर कथन निष्कर्ष की अगर हम बात करेंगे, सिलोगिज्म, सिलोगिज्म से पेपर में आप लोगों के 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। फिर एक में बात अगर करूं क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन पेपर में आया है। फिर मैं अगर हम बात करें यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट से पेपर में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पता होगा 2 क्वेश्चन दोनों ही अलग अलग टाइप के आ रहे हैं। फिर अगर हम बात करेंगे ऑर्डर सिक्वेंस, ऑर्डर सिक्वेंस की दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां पर आपका 1 क्वेश्चन आया है, यानी कि क्रम व्यवस्था से, क्रम व्यवस्था से आपके पेपर में जो है 1 क्वेश्चन आया है। फिर हम बात करें यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से पेपर में आपका 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा दोस्तों मिरर की बात करेंगे, 1 क्वेश्चन मिरर से है। हिडन इमेज वाला जो सन्निहित आकृति वाला होता है उससे 1 क्वेश्चन आ रहा है। एक आपका आ रहा है आकृति पूर्ण करने वाला, नोट कर लीजिएगा, आकृति पूर्ण करने वाला, आकृति पूर्ण करने वाले से आप लोगों के पेपर में जो है 1 क्वेश्चन बना है। तो ये आप लोगों का मैथ रीजनिंग जितने भी जैसे भी जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी आप लोगों से टॉपिक पूछे गए मैंने लगभग लगभग आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं। तो आज सेकंड शिफ्ट में जो भी मुझे क्वेश्चंस मिले हैं मैंने सभी क्वेश्चंस के आप लोगों का एनालिसिस करवा दिया है। तो इतने क्वेश्चन मुझे बच्चों ने भेजे थे जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, तो आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपनी क्लास को मिलकर आप लोग शेयर करेंगे। हम मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट के पेपर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय BSA, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।